मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कलेक्ट्रेट परिसर के मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर बनाए गए बीपीओ सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही वहां कार्यरत युवाओं को नियुक्ति पत्र भी जारी किया। इस अवसर पर सीएम ने मल्टी लेवल पार्किंग में बोंजेलो द्वारा बनाया गया 150 फीट लंबा केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इसी कड़ी में बघेल ने ईडी के छापे और गुरु बालदास साहेब के भाजपा में प्रवेश को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बीपीओ सेंटर का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर है जिसे 500 सीटर बनाया गया है। यहां कार्यरत सभी युवाओं को 12 से 15 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने इस सेंटर के निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी है। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे सलाहकार और पारिवारिक मित्रों के घर ईडी की छापेमार कार्रवाई कराकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जन्मदिन का बड़ा गिफ्ट दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान भी व्यवस्था में लगे सभी कांग्रेसियों के घर छापे पड़े थे और ये सिलसिला अधिवेशन के खत्म होने तक चलता रहा। उन्होंने कहा कि आने वाली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार चुकी है। ईडी और आईटी के अधिकारियों को ठेका देकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। रायपुर राजधानी में 500 सीटर बीपीओ सेंटर की शुरुआत हुई है और इसमें युवाओं को 12,000 से लेकर 18,000 रुपये तक के मासिक आय होगी और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बीपीओ सेंटर है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ जिन लोगों ने इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। हमारे कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा था तो जो लोग व्यवस्था में लगे थे उनके सबके घर में छापे पड़े, चाहे राम गोपाल अग्रवाल हो, गिरीश देवांगन हो और साथी, और लगातार चलती रही जब तक हमारा सम्मेलन संपन्न नहीं हो। आज मेरे जन्मदिन के दिन जो मेरे क्षेत्र में जो ओएसडी काम देख रहे हैं उनके घर में छापा पड़े, मेरे पारिवारिक मित्र हैं उसके यहाँ छापा पड़ा, मेरे सलाहकार हैं उसके यहाँ छापा पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तरफ से ये इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इसी कारण से ईडी आईटी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ठेका दे दिया गया है। सीएम बघेल ने सनातनी समाज के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुरु बालदास साहेब के भाजपा में प्रवेश को लेकर कहा कि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सीट देना चाहती थी, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र से सीट मांगा जा रहा था वह पार्टी के मंत्री का सीट है। बालदास ने अपने स्वार्थवश भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके द्वारा हमेशा से राजनीति की रही थी। रमन सिंह ने ही बालदास को जेल भिजवाया था और कांग्रेसी उनके लिए लड़ाई लड़ते हुए जेल भी गए थे, वही आज बालदास साहेब उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए हैं। वो हर 5 साल में आते जाते रहते और अंदरूनी बात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ हम लोग सीट भी देना चाहते थे, लेकिन जो सीट मांग रहे थे वो हमारे मंत्री की सीट है तो हम अपने मंत्री कैसे छोड़ देंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। टिकट फाइनल तो हाई कमान करेगी लेकिन हम लोग उसको कैसे आश्वस्त कर सकते हैं। तो अब ये है कि उनको वो स्वार्थवश गए और हमेशा उसी की राजनीति करते हैं, वही रमन सिंह जो उसको जेल में भेजे थे और हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़े थे, गिरफ्तारियाँ हुई थी, जेल गए थे, लंबे समय से हम लोग केस चला, है ना, और उसी को दिन फिर जाकर बैठ गए।